हाय गाइस, मैं हूँ अश्वनी महोदय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोर्टल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन्वर्टर या कन्वर्टर का मेन पावर बटन जो होता है, जिसकी सहायता से मशीन को चालू और बंद किया जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो हम किस तरीके से वहाँ उसकी जगह दूसरा बटन लगा सकते हैं, और वो अगर बटन मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम किस तरीके से स्विच को लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास जो है कि एक बैटरी और कन्वर्टर सेटअप है, और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कन्वर्टर में यहाँ ऑन और ऑफ का बटन था, और यहाँ जो है कि बटन वो था गोल वाला, पुश करने के लिए। एक बार पुश करिए ऑन हो जाएगा और दूसरी बार पुश करिए ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से ये बटन चलता था, और यहाँ का बटन पुश करने की वजह से खराब हो चुका था और अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था और एक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो इसको मैंने कन्वर्टर सेटअप का ढक्कन खोला और अंदर से जो है कि बटन को यहाँ से जो है कि हटाया, और बटन का कनेक्शन इस दोनों वायर की सहायता से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद यहाँ जो है कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो है कि ये स्विच लगा दिया गया है, और स्विच की सहायता से बहुत ही आसानी से ऊपर की ओर ऑफ और नीचे की ओर ऑन, यानी ऊपर की ओर बंद और नीचे की ओर चालू हो जाता है। और इसका बटन मिलने को मिल जा रहा था, लेकिन उसको लगाने में हमें काफ़ी दिक्कत समझ में आ रही थी, तो इसलिए मैंने सिंपल सिंपल इसमें बटन लगा दिया, ताकि कभी भी खराब हो तो बाहर से ही स्विच को बदल के अच्छे तरीके से दूसरा स्विच लगाया जा सके, ताकि यह स्विच जो है कि हमेशा लंबे समय तक चलता रहे, और ख़राब हो तब इसको आसानी से बदल दिया जा सके। तो इस तरीके से आप इन्वर्टर में या फिर कन्वर्टर में उसका मेन पावर बटन बदल के पावर बटन भी लगा सकते हैं। अगर आप पावर बटन नहीं लगाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से स्विच का भी सिस्टम लगा सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।